नमस्कार, ओम साई राम। साई की कहानी, साई भक्तों के संग आज के इस कार्यक्रम में हम सभी साई भक्तों का स्वागत करते हैं। साइकिल भारत भ्रमण यात्रा करने वाले यात्री मेहुल लखानी, इनका स्वागत शिरडी के ग्रामस्थ और साई संस्थान के विश्वस्त सचिन तांबे, ग्रीन एंड क्लीन शिरडी के संस्थापक अजित पारक, साई संस्थान के विश्वस्त एकनाथ गोंदकर, S9 कॉइन ट्रस्ट के साईराज गायकवाड़ इन्होंने किया और उन्हें आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं भी दी। ओम साई राम। पूरे विश्व से साई के भक्त शिरडी दौड़े आते हैं, वो प्लेन के माध्यम से, बस के माध्यम से, चाहे रेल के माध्यम से, पर आज एक भक्त दौड़ा आया है मेहुल भारत यात्री साइकिल के माध्यम से। बहुत ही नेक काम के लिए ये अपना साइकिल का पूरा भारत का दौरा कर रहे हैं। पूरे भारत में साइकिल पे यात्रा करके ये पूरे भारतवासियों को योग का संदेश देना चाहते हैं। बाबा ने योग की शिक्षा अनेक साई भक्तों के लिए, अपने साई चरित्र में जाना है कि बाबा योग के लिए भी विशेष प्रयत्न करके लोगों को उसके लिए जागरूक करते थे। अंतर की स्वच्छता के लिए भी बाबा अपनी स्वच्छता कैसे करते थे, इसका उल्लेख साई चरित्र में है। उसी योग का प्रचार और प्रसार करने के लिए मेहुल पूरे विश्व, पूरे भारत में प्रवास कर रहे। आज उन्होंने 10,000 किलोमीटर का एक उनकी जो यात्रा है वो यहाँ पूरी की है और शिरडी में साई के दर्शन करके वो बाकी की 90,000 यानी पूरी 1,00,000 किलोमीटर की यात्रा यहाँ से पूरी करने जा रहे हैं। उनका यह उपक्रम बहुत ही स्मरणीय है और वो मैं उनको विशेष शिरडी वासियों की ओर से शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अपने मकसद में कामयाब हो, क्योंकि अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो अपने को योग के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए। कुछ वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री ने 21 जून को भारत अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन इस उपलक्ष्य में जाहिर किया था। पूरे विश्व ने माना है कि भारत योग के माध्यम से विश्व गुरु हो सकता है और साई आज उसको यह आशीर्वाद देंगे कि आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनेगा और उसमें मेहुल भारत यात्री का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। मैं ग्रीन एंड क्लीन शिरडी परिवार एवं शिरडी ग्रामस्थ की ओर से और आज इस यात्रा के लिए इन्होंने जो कोऑर्डिनेट किया है, हमारे मित्र साईराज जी गायकवाड़ जो बहुत ही अच्छे और नेक काम में हमेशा अग्रसर रहते हैं, आज उन्होंने यह उनका यहाँ पे आगमन निश्चित किया और उनको उनका सम्मान करने का हमें शिरडी वासियों को जो अवसर दिया, इसके लिए मैं उनका देखिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उनकी यात्रा को शिरडी ग्रामस्थों की ओर से और साई बाबा की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ओम साई राम। मेहुल लखानी बोल के जो पूरे भारत यात्रा पे निकले है, आज तक उनका 10,000 किलोमीटर का प्रवास शिरडी में पूरा हुआ है और उन्होंने जो ठान लिया है कि 1,00,000 किलोमीटर मेरे को भारत यात्रा करनी है, उसके लिए लायंस क्लब के तरफ से हम उनको शुभेच्छा तो प्रदान कर रहे हैं, लेकिन उनके जो प्रवास में जो कुछ दिक्कतें आई, कुछ अच्छे बुरे जो कुछ समस्याएं आई, उसके बारे में बात करके बहुत अच्छा लगा। और ये अपने एजुकेशन लाइफ में उन्होंने टीचर्स का जॉब करते थे और वो टीचर्स का जॉब इस्तीफा देके ये काम वो राष्ट्र के हित में कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम वो यहाँ कर रहे, हर गांव में जब जाते या स्कूलों में वो बच्चों को ही ये पर्यावरण के बारे में, बाकी सब चीज़ों के बारे में, भारत यात्रा क्यों कर रहे हैं इसके बारे में सब बच्चों को जानकारी देते हैं, ताकि बच्चों को भी उस स्फूर्ति मिले और पर्यावरण के लिए वो अच्छे से सोच सके। ये काम वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, उसके लिए हम लायंस क्लब के तरफ से उनको यहाँ के आगे के लिए प्रवास के लिए वो शुभेच्छा प्रदान करते हैं।